सर यस सर चलिए अपना कल यहाँ तक वर्क हो गया था कंप्लीट, ये अपन ने किए थे मेंटल मैथ्स वाला, सर उस आगे यस कंटिन्यू सर कराएंगे। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, 87 पेज नंबर। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंडू बेटा लिसन टू, ध्यान से सुनेंगे माइक म्यूट रखेंगे ठीक है, साथ में रखो अभी मैं करता रहना सोल्व, ताकि आप जब आपको वर्क दिया जाए तो आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस टाइम है ठीक है ना। नंबर वन क्वेश्चन है, इंदु पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिष पेंसिल इज एट सेंटीमीटर तो सुनना प्रश्न लॉन्ग, बताइए मुझे। किसका कौन है। इंदु पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, पूज पेंसिल इज लॉन्गर, हाउ मच लॉन्गर। अब देखो इंदु की पेंसिल कैसे लिखना, पूरा इसको सॉल्यूशन करना साथ में। इंदु पेंसिल इंदुज पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर। ओके उसके बाद है दूसरी कौन है, ज्योति, ज्योति सर कितना क्या है? एक नंबर पेज नंबर बेटा, अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, कहाँ थे आप, 87। अबे ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए आपको दोनों के पेंसिल दे रखे, अब आपसे पूछे कि किसकी पेंसिल लॉन्ग ज्यादा है, तो आपको सीधा ही दे रहा है कि जो इंदु है इंदु की पेंसिल लॉन्ग है, क्योंकि उसकी 15 सेंटीमीटर है और इंदु उसकी 8 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि हाउ मच लॉन्गर, पहले तो आपको पता चल गया कि इंदु की पेंसिल लॉन्ग है, अब बोले कि हाउ मच लॉन्ग है, यानी कितनी लंबी है उससे, तो अपन क्या करेंगे, माइनस की निकाल लेंगे। हाउ मच लॉन्गर तो 15 सेंटीमीटर बेटा, सेवन देखो 15 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर माइनस निकाल लेंगे, ये पीछे सेंटीमीटर लगाना बेटा, आप यूनिट लगाना जरूरी है, तो वैसे क्या पता चले, माइनस निकाल दी या 8 है या 5 है, उसको सर खेल लिया 15 में से 8 गया, पीछे बच गया 7, तो कितने सेवन सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेवन आ गया समझ में बेटा, तो सेवन क्वेश्चन सेंटीमीटर यस, तो अपने क्या क्या, जो इंदु की पेंसिल थी वो लॉन्ग थी पहले तो अपने को पता चल गया, आप तो कहने अपन ने अपने से क्वेश्चन ने पूछा कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अपन ने क्या किया, इंदु के पास 15 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लॉन्गर। एडमिन गॉट इट, आगे सबको समझ में बेटा, होते हैं। चलिए यस सर एक यस क्वेश्चन पूछ सर लेता हूं अपने, कनिष्का की हाइट है 125 सेंटीमीटर ठीक है, कनिष्का की हाइट कितनी है 125 सेंटीमीटर, और साहिल की हाइट है, सोहिल की हाइट है अपने 120 सेंटीमीटर, कितनी है कनिष्का की, कितनी है 125, 125 सेंटीमीटर है ये कनिष्का की आगे सेंटीमीटर, और सोहिल की है 120, तो अब बताओ लॉन्गर कौन है, दोनों में से लंबा कौन है बेटा, अब कनिष्का कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 125 में से 120 माइनस निकाल लीजिए, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इस टाइप से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं 5 सेंटीमीटर बेटा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर
आ गया बेटा सबको समझ में? साथ साथ में सबको समझना ताकि आपको है ना जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे तो आराम से कर सको, ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर, आस्क योर पापा और मम्मी प्राइस ऑफ 1 किलो साल्ट, यानी अपनी मम्मा से या पापा से या ग्रैंडफादर से ग्रैंडमदर से जो भी अपने घर पे एल्डर्स है उनसे पूछ सकते हैं कि 1 kg साल्ट, साल्ट जानते हैं क्या होता है? साल्ट जानते हो क्या होता है बेटा? नो सर। नमक होता है बेटा साल्ट, ठीक है। अब देखिए आज के पापा और मम्मी प्राइस जो 1 kg साल्ट प्राइस जो 1 kg शुगर, यानी आपको क्या पूछना है? 1 salt यानी 1 kg साल्ट की क्या रेट है, ठीक है? साल्ट की रेट पूछ लोगे और 1 kg शुगर, शुगर का भी पूछोगे, ठीक है। शुगर का भी पूछ लिया, शुगर 1 kg, दोनों की प्राइस पूछनी है। अब ये तो वैसे तो आपको खुद को ही पता होगा, पूछने की जरूरत है, पूछ सकते हो अगर आपको पता नहीं तो। बताओ दोनों में से ज्यादा रेट किसकी होगी, शुगर की, चीनी, शुगर होती है ना जो अपन, शुगर की ज्यादा होगी या साल्ट की? शुगर, शुगर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, दोनों की प्राइस पूछ लोगे आप अपने पेरेंट्स से शुगर की, और जैसे सपोज इन साल्ट की मैंने बोल दिया, अपन जैसे आइडिया लगाते 1 kg के 20 rupees मानते हैं, ठीक है 20, और शुगर के अभी 36 या 37 यानी 40 मान लेते हैं, 40 rupees, 35 rupees मान लेते हैं, ठीक है 35 rupees, क्योंकि शुगर की ज्यादा प्राइस दोनों का लिख दिया। अब देखो यहाँ प्राइस, देखो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, देखो यहाँ लिखो प्राइस ऑफ 1 kg साल्ट, तो अपने क्या लिख दिया, साल्ट का लिख देंगे 20 rupees, ओके। इसके सामने क्या लिख देंगे, 20 rupees पेंसिल से लिख सकते हो आप साथ में बुक के अंदर। फिर प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, शुगर की भी लिख सकते हो, लिख दोगे। उसके बाद है Which one is more costly? दोनों में से ज्यादा रेट किसी कॉस्टली, यानी ज्यादा किसकी रेट है, ज्यादा पैसे किसके लग रहे हैं? शुगर के, तो शुगर लिख दोगे। इसके सामने देखो क्या लिख दोगे, शुगर। फिर उसके बाद है How much more does it cost? यानी कितनी ज्यादा है, तो आपने पता है साल्ट की 20 थी और शुगर की 35 है, तो 20 माइनस निकाल देंगे, निकाल लीजिए माइनस सारे बच्चे, 5 में से 0 गया, 5 हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो कितना मोर सर, 15 मोर देन मोर कॉस्ट, ठीक है। साल्ट 1 gram था, शुगर 1 kg थी, यस। अब बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा, आपको रफ कॉपी में तुरंत करना है इसका आंसर निकालना, मैं रीड करके बता देता हूं क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, आपको रफ कॉपी में तुरंत सॉल्व करना और मुझे आंसर बताना सारे बच्चे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स, चंचल क्या बेच रही है, स्कूल स्वेटर बेच रही है चंचल ने, क्या अपने स्कूल जैसे विंटर ब्रेक, विंटर में अपन पहनते हैं ना जैकेट या स्वेटर है, विंटर जब अपनी सर्दियां आती है तो स्कूल के या फिर अपन घर पे भी पहनते हैं, ठीक है। चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर्स इन 2 days, शी सोल्ड सम रेड ब्लू एंड ग्रे कलर स्वेटर्स, वो 3 types की स्वेटर रखती है, कौन कौन सी रखती है देखिए, रेड है, रेड है, रेड और ब्लू, रेड और ब्लू और ग्रे, ग्रे ग्रे 3 colors है। अब वो देखो कितने दिन शॉप पे जाते हैं, कितने दिन सेल करते हैं, 2 days सेल करते, क्या लिखा है देखो, लिखा है 2 days सेल, यानी 2 दिनों तक, यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से लगेगा, ये देखो जो 2 days सेल, 2 दिनों का, अब 2 दिन बेचती है, ठीक है ना। अब देखो इधर लिखता हूँ फर्स्ट डे में कौन कौन से कलर के कितने स्वेटर बेचती है, यहाँ लिखा देखो स्वेटर सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, यानी पहले दिन वो कितनी कौन कौन लगो, देखो कौन से कलर की कितनी बेचती है, रेड कितनी बेचती है बेटा फर्स्ट डे को, रेड कितनी बेच रही है, यस यहाँ लिख रहा हूँ 38, रेड बेच रही है 38। उसके बाद फर्स्ट डे को ब्लू कितनी सेल कर रही है, 66, एंड ग्रे कितनी कर रही है, 74, चलिए यहाँ तक हो गया बेटा, फर्स्ट डे को इतनी सेल कर दी।
अब आ गया सेकंड डे को स्वेटर सोल्ड ऑन सेकंड डे। अब सेकंड डे भी तो बेचे दो, अब सेकंड डे का निकालते हैं, सेकंड डे को देखो कितना कितना क्या है, सेकंड डे देखो बेटा इधर लिख रहा हूं मैं सेकंड डे, ठीक है। तो सेकंड डे को रेड कितनी सेल करते हैं, 89 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
फिर किनको माइनस करना है? सर किनको माइनस 28 और 42 पहले माइनस कर दो। चंचल सेव इन टू डेज, यानी दो दिनों के अंदर चंचल है जो ग्रे वाले स्वेटर है वो कितनी सेल करती है। तो अपने पास ये दे रखा ग्रे, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तुरंत प्लस कीजिए सारे बच्चे 74 और 89 को। प्लस कर लीजिए ग्रे स्वेटर का पूछा, ऑल टू डेज इन दो दिन वो सेल करती है, सोल करती है। और क्या घटाना है बेटा? टोटल पूछा, टोटल का मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है। 63 लेस देन नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा कि ओल्ड टू डेज। क्वेश्चन रीड करो ना बेटा, क्वेश्चन को समझो। 63 इन टू डेज यानी ग्रे स्वेटर दो दिन में कितनी बेची, तो दोनों सर 163 करते हैं प्लस। देखो सारे बच्चे करेंगे साथ साथ बेटा, टोटल आ जाएगा 163। तो इस एक आंसर क्या आ गया, एक आंसर क्या आ गया बेटा? 163 एक आंसर आ गया 163। यस सर 163। देखो कैसे किया अपन ने, क्या किया था इन दोनों को, 74 को प्लस कितना 89 को प्लस किया। यस सर, जो जो उसने ना ग्रे कलर टुडे में ग्रे कलर की उसने 163 स्वेटर बेची थी। यस आगे फर्स्ट का आंसर, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है 66 और 23। माइक म्यूट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड 89 बेटा माइक म्यूट करे, बातें मत करो बेटा, पेरेंट्स से बाद में बात कर लेना, अभी 20 मिनट के बाद बात करना आराम से आप, ठीक है ना? अभी थोड़ा क्लास में ध्यान दे दीजिए। अब बी वाला क्वेश्चन है, डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन टू डेज। बोल रहे हैं कि दो दिनों में ब्लू स्वेटर ज्यादा सेल की या रेड की, तो दोनों को पहले प्लस कर लो। देखो ब्लू कितनी दो दिन में टोटल की है, दोनों को प्लस कीजिए 6 और 3 9 और 6 और 2 8। यहाँ तो देखो रेड वाले निकालते हैं 8 3 और 7 78। तो दोनों में से ज्यादा सेल कौन सी की बेटा, रेड रेड या ब्लू? 163 ब्लू। तो अपन इसका सेकंड आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ब्लू स्वेटर्स, ठीक है। सेकंड का क्या आ जाएगा? यस ब्लू स्वेटर सबसे ज्यादा। तो बेटा ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रहा, क्वेश्चन में दे रखा ब्लू और रेड का दे रखा, सबसे ज्यादा नहीं पूछा। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा वो पहले समझो।
क्वेश्चन में देखो क्या लिखा बी वाले क्वेश्चन में, बी वाले क्वेश्चन दे रखा डिड सी सेल मोर रेड स्वेटर देन ब्लू स्वेटर इन टू डेज, कितनी सेल ज्यादा की है। तो अपन ने पहले तो निकाल लिया दोनों का, अब देखिए 89 में से क्या करेंगे अपन, 89 में से 78 माइनस निकाल देंगे, कोई नहीं 89 माइनस ना 78 तो माइनस निकाले 89 में से 8 गया 1 और 8 में से 11 गया 1, तो कितनी ज्यादा स्वेटर सेट कर रही है 11 में, इस टाइप से करना बेटा ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाला, सी क्वेश्चन करेंगे सी है हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे, मोर देन 120 लेस देन 120 टिक द राइट आंसर, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन एक बार और रीड करना देखो, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे पहले दिन का पूछा है कि ये रेड है, रेड फर्स्ट डे को कितनी बेची 38 बेची, रेड आ गया 38 ठीक है 38 रेड हो गया ना फर्स्ट डे को। फिर बोला है कि ग्रे स्वेटर डिड सी सेल द फर्स्ट डे, ग्रे स्वेटर फर्स्ट डे को कितनी बेची, ग्रे वाले डे को 44 ये ग्रे स्वेटर हो गया 120 बताइए 120 से लेस देन है या मोर देन, लेस देन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे के मोर देन 120 लेस देन 120, तो आप टिक लगाओगे लेस देन 120 क्योंकि 112 है वो 120 से कम है ठीक है। इस टाइप से बेटा पूरा प्रॉपर करना, माइनस निकालना, पूरा स्क्वायरों का लिखना इस टाइप से ठीक है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाले पे, डी वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्वेटर्स, क्या लिखा हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल सी ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकंड डे मोर देन 140 और लेस देन 140 बोल रहे हैं। ओ सॉरी क्या कर दिया टेबल, मैंने डिलीट कर दी, टेबल डिलीट नहीं करनी थी, वापस बनाता हूँ टेबल, इतनी टेबल बनाता हूँ बेटा वापस है ना, क्योंकि टेबल के बिना तो अपना काम ही नहीं होगा। हेलो देखिए क्या बेटा टेबल बना रहा एक बार वापस है ना, फर्स्ट डे का था अरे ये कौन है माइक म्यूट रखे, ये ग्रे फर्स्ट डे में देखो बेटा कितना था 38 66 74 क्या था ग्रे, सेकंड डे का निकालते हैं 89 ग्रे 22 हाँ दोनों का ही लिखे एक बार रुकिए पहले पूरी टेबल में वापस बना इसको ना। आप देखो क्वेश्चन देखते हैं, अब पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन देखना डी वाला बेटा, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकंड डे, यानी जो सेकंड डे टोटल ये तीनों का निकालना है ठीक है, टोटल तीनों प्लस करना है रेड ब्लू एंड ग्रे मोर देन 140 और लेस देन 140 यानी 140 से ज्यादा थी सेल की या कम की, तो तीनों को प्लस कीजिए बेटा सेकंड डे के, रेड कितनी है फर्स्ट रेड डे से रेड कितनी बेची सेकंड डे, बेटा प्लस करो जल्दी जल्दी तीनों को, रेड थी 40 ब्लू कितनी है जल्दी प्लस कीजिए बेटा 23 एंड ग्रे ग्रे है 74 तीनों को प्लस कर दीजिए, तो सेकंड डे की
ऑल स्वेटर आ जाएगी, 0, 3 और 4, 7, 4 और 2, 6, 6 और 7, 13. कितना आ रहा है? सबके आंसर यही आ रहा है क्या? और ये अपन गलत चीज बता रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरा 79 है सर, 89 है। यस 89 है, वेरी गुड। सीरियस करते हैं, वापस करते हैं ना। 89 है, 89। यस 89 लिखता हूँ मैं, ठीक है 89। अब प्लस करते हैं 132 है, 32 अभी देखते हैं। देखो बेटा, 3 एंड 9 12 का 2, कैरी का 1 हो गया, कैरी का 1 हो गया, ठीक है ना। 5 5 और 2, 6 7 7 और 8, 7 और 8 होता 15, तो टोटल कितना हो गया? 152. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि 114 मोर देन या लेस देन? मोर देन बेटा, लेस किसने बोला? लेस थोड़ी होगा, 114 है तो मोर देन हो जाएगा, मोर देन ठीक हो जाएगा। आ गए यहाँ तक समझ में सबको? यस सर, यस सर। ओके, उसके बाद आगे के उस क्वेश्चन अपन करेंगे कल करेंगे, यहाँ तक इतना ही करेंगे। मैं आपको वर्क दूंगा, वर्क कौन सा क्वेश्चन मिलेगा आज आपको? ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्या करोगे बेटा, पहले समझ लो, ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा बेटा, इसको आपको क्या करना, वीडियो को देखो बेटा, समझ लो एक बार और। निकल गया बेटा, पहले ये क्वेश्चन लिखना है, फिर ये टेबल बनानी बुक के अंदर, ठीक है ना। टेबल बनाओगे और बुक के अंदर किसका टेबल बनाना है? ये जो टेबल बनी हुई, ये देखो ये टेबल बनाओगे तभी तो सॉल्व कर पाओगे। ये लिखने के बाद क्वेश्चन 1 लगाओगे, ये ए वाला क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर करोगे, ठीक है। फिर बी वाला क्वेश्चन करोगे, उसका आंसर, फिर सी वाला क्वेश्चन, इसमें तो आपको आंसर करना, फिर डी वाला क्वेश्चन और उसका आंसर। इस टाइप से आपको 4 क्वेश्चन करना। लिया, ओके सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। अभी लेट नहीं होना है ना, मैं जब बोलूं तब लेट होना, अभी लेट नहीं होना आपको। बाय बाय सर। अरे लेट नहीं होना बेटा, अभी लेट नहीं होना, अभी सर।